Good morning, student. I am Varnish Kumar. Today in OBJ, the topic is RH incompatibility. So first we will see what is the RH incompatibility. RH incompatibility can occur when a woman and RH negative blood type is carrying a baby with a RH positive blood type. The individual having the antigen is called RH positive, and in whom it is not present and is called RH negative. ठीक है, RH incompatibility हम उसे कहेंगे जब वुमन negative है उनका ब्लड और वो कैरी कर रही है जो बेबी को वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों अलग अलग है. स्पेशली जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहते हैं उनमें क्या होता है, एंटीजन होता है जो बाहर की चीज़ों को, अगर कुछ दूसरे चीज़ इन्वॉल्व हो रही है तो उसको अटैक करती है और डिस्ट्रॉय करती है. इसी कारण RH इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब दोनों ब्लड इनकम्पेटिबल. ठीक है, जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव ब्लड में नेगेटिव जो वुमन के में रहेगा, जो एंटीजन रहता है वो क्या करता है, बाहरी की चीज़ जैसे पॉजिटिव बेबी का जो ब्लड है उसमें एंटर करके वो उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण ही बेबी फुल डेवलप नहीं हो पाते हैं या फिर उसका जल्दी ही एबॉर्शन हो जाता है. ठीक है, तो यही जब दोनों ब्लड इनकैपेबल रहेगा तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी. सो डेफिनेशन इज सेम, व्हेन ए मदर एंड हर अनबॉर्न बेबी कैरी डिफरेंट RH प्रोटीन फैक्टर, देयर कंडीशन इज कॉल्ड RH इनकम्पेटिबिलिटी. ये चीज़ है, दोनों का ब्लड ग्रुप अगर अलग है तो ऐसे और इनकैपेबल है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी. इट्स ऑकर व्हेन ए मदर इज RH नेगेटिव, हर बेबी इज पॉजिटिव. द RH फैक्टर इज स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड इन सरफेस फॉर योर रेड ब्लड सेल. अब ये RH क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिहेसिस. ठीक है, लैंड स्ट्रेनर एंड वीनर इन द ईयर 1940 डिस्कवर द स्पेसिफिक अननोन एंटीजन. ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवर किया था जो स्पेसिफिक एंटीजन है, जो स्पेशली फर्स्ट किस में पाया गया था, रिहेसिस एक मंकी में पाया गया था, तब से जो एंटीजन का नाम रख दिया गया है RH नेगेटिव. क्लियर है, इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे जो पहले मैंने बताया. जैसे फॉर एग्जांपल RH पॉजिटिव हस्बैंड है, RH नेगेटिव मदर है, मदर इज हैविंग पॉजिटिव बेबी. ठीक है, तो आप सेकंड वाले में देख सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस है, मतलब नेगेटिव ब्लड है और बेबी पॉजिटिव ब्लड है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो नेगेटिव अगर किसी कारणवश कुछ धक्का लग गया है, चोट लग गई है, तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो गया, फिटल सर्कुलेशन हो गया है ना, थोड़ा डिटैच हो गया है प्लेसेंटा, तो ऐसे कंडीशन में और दोनों के ब्लड मिक्स हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बाहरी चीज़ एंटर होने के कारण जो नेगेटिव जो ब्लड है वो अपने एंटीजन एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करने लगते हैं अपने एंटीबॉडी. ठीक है, और बाहरी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो वो बेबी के ब्लड में एंटर करके उसके ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसके कारण वो फुल डेवलप नहीं हो पाते हैं और वो एबॉर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से आप डायग्राम में क्लियर समझ में आ जाएगा. हाँ, ये डायग्राम इस तरह के डायग्राम से भी आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं. जैसे कि रेड वाले जो डॉट्स हैं वो पॉजिटिव बेबी हैं और ये रिहर्सल नेगेटिव मदर है, और बीच में जो ब्लॉक है प्लेसेंटल बेरियर, मतलब प्लेसेंटा में ऐसे फंक्शन रहता है कि अगर वो अच्छे ब्लड को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है, वो बेरियर उसमें एक फंक्शन रहता ही है, जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन कुछ अगर कुछ कॉजेज हो जाते हैं, लाइक कुछ वुमन को धक्का हो गया है, लग गया है, और प्लेसेंटा मैनुअल रिमूवल के टाइम पे कॉर्ड ट्रैक्शन हो गया है, तो दोनों के ब्लड मिक्स हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेकंड उसमें देख सकते हैं, जो फीटल पॉजिटिव के ब्लड चले जाते हैं मदर के में एंटर हो जाते हैं. ठीक है, तो उसमें मदर के में एंटर होने के बाद थर्ड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं 4.6.5 वाले फिगर में,
कि उसमें जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो एंटीजन है, ठीक है, जो बाहरी चीज़ जैसे एंटर होता है उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। ये 4.6.6 डायग्राम में देख सकते हो कि जो एंटीजन चले जाते हैं बेबी के ब्लड सेल्स में और उस सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, डिस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी मैनेजमेंट है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो गया है जिससे कि दोनों के ब्लड मिक्स हो गए हैं, एंटीजन रिलीज हो गया है, नेगेटिव का फीटस के में एंटर हो गया है, ऐसे कंडीशन में ही क्या कर सकते हैं हम, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन है वो मदर को दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो मदर के जो एंटीजन जो रिलीज होते हैं जो अटैक करते हैं वो एंटीजन रिलीज नहीं हो पाता है और नॉर्मल होता है, बेबी के और मदर के ब्लड मिक्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तो नेगेटिव से भी एंटीजन रिलीज नहीं हो पाता है अगर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता है। इसीलिए जब भी पेशेंट आती है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, ऐसे कुछ है नेगेटिव है तो उनको एंटीनेटल, जब वो चेकअप के लिए ही आती है एंटीनेटल टाइम पे ही उनको एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टाइम टू टाइम, ओके। मैनिफेस्टेशन ऐसे केसेस में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, जनरली पेशेंट को बेबी को हाइड्रोस्पिटलिस हो सकता है, पेशेंट को बेबी हाइड्रोस्पिटलिस होगा मतलब बेबी के पूरे ऑर्गन में फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, इक्ट्रस, ग्रेविड न्यूनेट्रम, सीवियर जॉइंडिस, कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, बहुत ज़्यादा निमोनिया एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, ब्लड की कमी हो जाएगी, और क्या क्या कंडीशन है जनरली पेशेंट को हो सकता है, मिसकरेज हो सकता है वूमन का ऐसे केसेस में, एबॉर्शन हो सकता है, फीटो प्लेसेंटल हेमरेज हो सकता है और फीटल हीमोलाइसिस होगा, ठीक है, ब्लड ऐसे बेबी फीटो हेम पूरे जो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, पूरे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं धीरे धीरे करके, क्लियर है, जॉइंटिस होगा एंड हाइड्रोस्पिटलिस पूरे डेवलप नहीं हो पाएंगे और पूरे ऑर्गन में फ्लूइड कलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, एनीमिया रहेगा एंड लेटर एट द लास्ट लीड टू डेथ ऑफ द चाइल्ड इमिडिएटली आफ्टर इट्स बर्थ, और डिलीवर्ड भी होगा तो इमिडिएटली उसकी डेथ हो सकती है। नाउ अफेक्शन ऑफ द मदर, इससे पहले बेबी को क्या होगा उसके बारे में है, अब पेशेंट को मदर को क्या हो सकता है, प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है, ऐसे केसेस में पॉलीहाइड्रोमियास हो सकता है, एबनॉर्मल है बेबी, बिग साइज ऑफ बेबी विथ हैजार्ड फ्लूइड कलेक्शन के कारण हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टू द बिग प्लेसेंटा एंड ब्लड कोगुलोपैथी मीन्स इनकैपेबिलिटी होने के कारण, ठीक है। मैटरनल सिंड्रोम साइलेंट फीचर आर जनरलाइज एडिमा प्रोटीनूरिया, ठीक है, और कन्वल्शन भी आ सकते हैं पेशेंट को, ठीक। नाउ आइसोइमनाइजेशन, ये वाइवा में और बहुत टाइम में ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइमनाइजेशन, द आइसोइमनाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एंटीबॉडी इन द इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू ए एंटीजन डराइव फ्रॉम द अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज प्रोवाइड द फर्स्ट 1 लाख द एंटीजन। आइसोइम्यूनाइजेशन कुछ नहीं, सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वही चीज़ है जब दूसरे जैसे कि नेगेटिव मदर का ब्लड है और बेबी का पॉजिटिव ब्लड है, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों के ब्लड मिक्स हो जाते हैं, जो नेगेटिव ब्लड से जो एंटीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं आइसोइम्यूनाइजेशन, ठीक है। एंटीबॉडी जो रिलीज होते हैं एंटीजन वो ऐसे कंडीशन को हम आइसोइम्यूनाइजेशन कहते हैं, क्लियर है। नाउ ये वाले भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन सेंसिटाइजेशन, ठीक है, सेंसिटाइजेशन क्या होता है, आरएच इनकम्प्लीटली सेंसिटाइज मतलब, ठीक है, जब दोनों के ब्लड मदर का नेगेटिव ब्लड और बेबी का पॉजिटिव ब्लड मिक्स हो जाते हैं तो एंटीबॉडी रिलीज होने लगते हैं, तो इसको रोकने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन एंटीटूग्लोबिन डी ग्लोबिन जो लगाया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो एंटीजन है रिलीज नहीं होता है, ठीक है, और
रिलीज नहीं होता है और दोनों के ब्लड नॉर्मल सेंसिटाइज हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम सेंसिटाइज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको इंजेक्शन दिया गया है। और जिनको एंटी डी ग्लोबिन नहीं दिया जाता है तो वो नॉन सेंसिटाइज प्रेगनेंसी में आएंगे, और जिनको एंटी डी दिया जाता है दो अलग अलग ब्लड ग्रुप में तो वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। क्लियर है? नाउ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है जो जनरली जो दिया जाता है कौन कौन सा है, सलाइन एग्लूटिनिन एंड एल्ब्यूमिन एग्लूटिनिन, ठीक है, ये एंटीबॉडीज है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ आरएच इनकम्प्लीबिलिटी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ आरएच इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हम लोग को सबसे पहले जो एंटीबॉडी जो रिलीज होने लगती है उसको किसी भी तरह से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है टू प्रिवेंट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो अपन को कोशिश करना है कि दोनों के ब्लड मिक्स ना हो, ठीक है, ताकि जो एंटीबॉडी जो रिलीज होता है उसका चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैनुअल किसी भी तरह से कॉट ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए ब्लड दोनों के, टू प्रिवेंट द मिनिमाइज द फीटो प्लेसेंटल ब्लीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड द मिसमैच ट्रांसफ्यूशंस, ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, जैसे कि बेबी फुल डेवलप नहीं हो रहे ब्लड ट्रांसफर करना पड़ रहा है एंटीपार्टम पीरियड में ही पेरिटोनियल के थ्रू बेबी को देना, तो अलग ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एक्टिव होने के लिए क्या करना है, मतलब नॉर्मल होने के लिए सेंसिटाइज होने के लिए क्या करना है, आरएच एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इज एडमिनिस्ट्रेड आईएम टू द मदर फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ एंड एबॉर्शन, ठीक है, अपन को एंटीनेटल टाइम में ही और डिलीवरी के टाइम में भी एंटी डी ग्लोबिन अपन को देना है, ठीक है, एंटी डी एंटीबॉडी व्हेन इंजेक्टेड इट ब्लॉक द आरएच एंटीजन ऑफ द फीटल सेल्स, वही जो पहले बताई हूँ, टू प्रिवेंट द मिनिमाइज द फीटो प्लेसेंटल ब्लीड, टू प्रिवेंट द मिनिमाइज द फीटो प्लेसेंटल ब्लीड प्रिकॉशन ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन, अपन को कोशिश करना है कि सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, एर्गोमेट्रिन विथॉल में फैसिलिटेट में फीटो प्लेसेंटल ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं, फीटो मतलब ब्लीड होने के दोनों के मिक्स प्लेसेंटल सर्कुलेशन के टाइम पे मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, एर्गोमेट्रिन जो कि जनरली प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद दिया जाता है, ठीक है, तो वो अवॉइड करना है क्योंकि एर्गोमेट्रिन जब देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस का पॉलिटी मेंटेन नहीं करता है, वो किसी भी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसी कारण अपन को एर्गोमेट्रिन अवॉइड करना है या विथहोल्ड करना है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस शुड डन आफ्टर द सोनोग्राफी लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा, एमनियोसेंटेसिस करना का प्रोसीजर करना है जनरली, इसमें देखने के लिए कि स्पेशली प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कैसे है, लोकलाइजेशन देख सकते हैं किस जगह पे इम्प्लांट हुआ है, प्लस फीटल का डेवलपमेंट देख सकते हैं हम, एबनॉर्मल है नॉर्मल है उसके बारे में अपन को एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा शुड बी जेंटली, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इट शुड बी डन बाय द स्किलफुल, जो भी बहुत एक्सपर्ट हैं उन्हीं से ही करवाना है, ठीक है, ट्रैक्शन नहीं होना है अदरवाइज मिक्स मैच होने के चांसेस हैं, ठीक है। नाउ टू अवॉइड द मिस मैच द ट्रांसफ्यूशन, अवॉइड द गिविंग द पॉजिटिव ब्लड टू आर एच नेगेटिव, ठीक है, आर एच इनकम्प्लीबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड विथ आर एच इम्यून ग्लोबिन लॉन्ग एज अ मेडिसिन इज गिवन टू करेक्ट टाइम, ठीक है, जब भी आर एच कम्प्लीबिलिटी ऐसा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वुमन एबॉर्शन बार बार हो नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, उनको प्रॉपर टाइम पे अगर मेडिसिन एंटी डी ग्लोबिन ले रहे हैं तो वो कंसीव कर लेगी और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती है। नाउ एंटीबॉडी डिटेक्शन, हाँ कौन से टाइप के एंटीबॉडी है, हम कौन से टेस्ट से हम कर सकते हैं, इसमें बताया है इन ऑल केसेस आर एच नेगेटिव वुमन ब्लड ग्रुपिंग पैरिटी एल्ब्यूमिन एंटीबॉडी इज डिटेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, ठीक है, एंजाइम टेस्ट यूजिंग द प्रिवेंट ट्रीटेड सेल मोर सेंसिटाइज देन द इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो कुम टेस्ट होता है उसके थ्रू हम कौन से टाइप का एंटीबॉडी है नेगेटिव वुमन है तो हम कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लान ऑफ डिलीवरी के टाइम पे अपन को क्या क्या चीज़ अपन को ध्यान में रखना है, अन इम्यूनाइजेशन इन केसेस वेयर देर इज नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडी फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
the expected attitude is followed till the term, tendency of pregnancy and expected death should not be allowed. ठीक है, unimmunized मतलब अगर उन एंटीजन रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, तो अपन को डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेल्टा कंप्लीट करना है. ठीक है, अगर इम्यूनाइज मदर है मतलब एंटीजन रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में अपन को पेशेंट को तुरंत जहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, जहाँ इमरजेंसी है में पूरे फैसिलिटी उनको मिले ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करना है और एंटीजन मेडिसिन उनको स्टार्ट करना है. ठीक है, मेथड ऑफ टर्मिनेशन हम कैसे डिलीवर्ड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम डिलीवरी करा सकते हैं. एमनियोटॉमी, एमनियोटॉमी मतलब लो रप्चर ऑफ ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो करते हैं. ठीक है, दो टाइप से होते हैं, अपर एंड लो रप्चर. तो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज द वेरी यूजफुल एंड बेनिफिट इन RH इनकम्प्लीटी. ठीक है, एंड वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन जेल यूज कर सकते हैं. सर्विक्स रैपिन ऑक्सीटोसिन ड्रिप हम स्टार्ट कर सकते हैं. ये मेथड अब ये सारे चीज़ें हम करेंगे. ठीक है, लास्ट में हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं. सिजेरियन सेक्शन केसेस व्हेन टर्मिनेशन हैज़ टू बी डन प्री मेच्योरिटी द सर्विक्स विल अनफेवरेबल कंसिडर द सिवियरिटी अफेक्शन टर्मिनेशन सिजेरियन इज सेफ प्रोसीजर. ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो ही हम 34 to 37 वीक्स में ही उनका कर सकते हैं. ठीक है, so these all the about the method of termination. Antenatal management during pregnancy, all women have their blood group of HBO rhesus type. Women who are RH negative, they are screened for the rhesus antibodies, which indirect comb test. In the absence of antibody, blood retest in 28 and 34 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. एंटीनेटल टाइम में जब एडमिट होंगी तो उनका पूरा टेस्ट करवाना है, कुम टेस्ट कौन सा एंटीजन है, स्पेशली 28 to 34 वीक्स में उनका टेस्ट करवाना है. एमनियोसिंथेसिस में भी कैरी आउट प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस से पहले भी मैंने बताया एमनियोसिंथेसिस कराना है अपन को पूरा एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा का बिलीरुबिन है, बेबी का कंडीशन, प्लेसेंटा का कंडीशन, वो सारे अपन को एंटीनेटल टाइम में. केयर ऑफ ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, केयरफुल फीटल मॉनिटरिंग इन टू बी डन टू डिटेक्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है, मॉनिटर करना है, बीपी चेक करना है, ठीक है, उनका ऑक्सीजन वगैरह चेक करना है, बीपी टीपीआर प्रोलैक्टिन एर्गोमेट्रिन ड्यूरिंग स्टेज प्रीथाइल. एर्गोमेट्रिन को अवॉइड करना है. ठीक है, उसको मैंने बताया क्योंकि वो पॉलिट्री यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन का पॉलिट्री मेंटेन नहीं करता. ठीक है, इस कारण हम उसको अवॉइड करेंगे या फिर विथहेल्ड ही कर देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर. जेंटल हैंडलिंग ऑफ द यूट्रस इन द थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड करने वाला जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, उसको जेंटली जो एक्सपर्ट है उन्हीं से ही करना है क्योंकि ब्लीडिंग होने का चांसेस है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस हैं, वो होने से और चांसेस हैं पेशेंट और बेबी को RH इनकम्प्लीटी होने का. टू टेक केयर ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, हैवी ब्लीडिंग नहीं होना है, तो उसके लिए स्किलफुल एक्सपर्ट ही डिलीवर करे तो अच्छा है. नाउ सिजेरियन सेक्शन टू अवॉइड द स्प्लीच ऑफ ब्लड इन टू द पेरिटोनियल कैविटी. ज़्यादा एक्सेसिव कटिंग, पेरिटोनियल कटिंग में नहीं होना है, ब्लीडिंग नहीं होना है. सिजेरियन सेक्शन में रूटीन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा शुड बी विथहेल्ड. ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा शुड उनको अवॉइड करना है, अपने से ही वो नॉर्मली डिटैच हो रहा है तो इट्स ओके, वो अच्छी बात है. क्लैंपिंग एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, तुरंत कुछ टाइम नहीं देना है अपन को कि इस टाइम पे करना है, तुरंत क्लैंप करना है क्योंकि इसमें मिक्स होने के चांसेस रहते हैं ब्लड. अगर लेट हो जाएगा क्लैंपिंग में तो जॉइंटिस भी होने के चांसेस रहते हैं बेबी को. कलेक्शन ऑफ कॉर्ड ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, हाँ वो करना जरूरी रहता है, कॉर्ड ब्लड सैंपल. इंट्रा पेरिटोनियल ट्रांसफ्यूशन उस कंडीशन में करेंगे कि अगर अपन को पता चल गया है RH इनकम्प्लीटी है और बेबी भी उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया है, बेबी सीवियर एनीमिया है, ऐसे कंडीशन में इंट्रा यूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूशन करके हम बेबी को सेव कर सकते हैं.
लेकिन 34 वीक्स में, ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूशन का एडवांटेज क्या है, अ करेक्शन ऑफ फीटल एनीमिया, इम्प्रूवमेंट ऑफ सिजेशन, ठीक है। एनीमिया से उनको हम प्रिवेंट कर सकते, दूर कर सकते हैं, और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, एंड इम्प्रूव द फीटल हेपेटिक फंक्शन, उनके लीवर भी वो फंक्शन करेगा एंड लंग्स भी। इसके लिए अपन को इंट्रा यूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूशन कर, तो इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूशन इस तरह मेथड से कर सकते हैं हम, पेरिटोनियल कैविटी से इंट्रा कैथ इंट्रोड्यूस करके, कॉर्ड में हम कैथ नीडल इंट्रोड्यूस करके हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन करेंगे, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द सोनोग्राफी, ओके। नाउ पोस्टनेटल मैनेजमेंट, एट बर्थ द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म ऑन द कॉर्ड ब्लड, ठीक है। पोस्टनेटल पीरियड में अपन को ब्लड टेस्ट चेक करना है, किसका, बेबी का। डायरेक्ट कुम टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी फीटल सेल, डायरेक्ट कुम टेस्ट टेस्ट करना है कि मैटरनल एंटीबॉडी एंटर तो नहीं हो गया है बेबी के में। हीमोग्लोबिन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन चेक करना, ठीक है। एंड इन्फेंट विथ रिहर्सिस आइसो इम्यूनाइजेशन आर यूजली केयर फॉर द इंटेंसिव केयर यूनिट, ऐसे जो केसेस रहते हैं आर एच इनकम्प्लीटली से जो इन्फेक्टेड बेबी है, इसको इंटेंसिव मतलब NICU में ही एडमिट करके हम इसको केयर कर सकते हैं। और इंसेंशियल ट्रीटमेंट एम्स टू कम्बट द एनीमिया, रिड्यूस बिलिरुबिन लेवल, रिमूव द मैटरनल RH एंटीबॉडी फ्रॉम द बेबी सर्कुलेशन, ये सब हमको NICU में हम ये सब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैक सेल ट्रांसफ्यूशन में भी यूज टू रिस्टोर द हीमोग्लोबिन लेवल, पैक सेल भी हम ट्रांसफ्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंड बेबी कंडीशन। फोटोथेरेपी में भी इफेक्टिव, बट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन इज ऑफन रिक्वायर्ड ऑन द गोइंग द हीमोलाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर दिस इन्फेंट, ठीक है। फोटोथेरेपी इफेक्टिव रहेगा अगर बेबी को सीवियर जॉइंटिस है उस कंडीशन में। उसके अलावा हम ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन भी कर सकते हैं थ्रू द बेबी कॉर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ए लास्ट इज ए HVO इनकम्प्लीटी एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपका RH इनकम्प्लीटी करके ही एग्जाम में पूछे, HVO इनकम्प्लीटी करके भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो HVO इनकम्प्लीटी भी सेम है, HVO आइसोमिनाइजेशन ऑकर यूजली व्हेन द मदर इज ब्लड इज ओ, है ना, द बेबी इज ग्रुप ए एंड लेस ऑफन ग्रुप इज बी एंड टाइप ओ ब्लड कंटेंट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, दिस एंटीबॉडीज आर यूजली इन द IgM क्लास एंड आर टू लार्ज टू रोल द प्लेसेंटा, ठीक है। इसका मीन्स वही है, HBO जो मदर का HBO अगर नेगेटिव ब्लड है तो चांसेस हैं, अगर बेबी पॉजिटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये इनकम्पेबिलिटी वाले केसेस हैं, ठीक है। तो उसके आगे का जो भी मैंने आपको बताया है, व्हाट इज कैसे इनवर्स, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या मैनेजमेंट है, इसमें पूरा RH इनकम्पेबिलिटी का आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो RH इनकम्पेबिलिटी में वो दोनों रहेंगे और HBO इनकम्पेबिलिटी में पॉजिटिव एंड HBO नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द आर एंड HBO इनकम्पेबिलिटी, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। Thank you.